तो चलिए अब कहानी शुरू हो गई है सुपर ओवर की। सुपर ओवर दिल्ली लेपर्ड्स वर्सेस जयपुर स्मैशर्स, ये लड़ाई है फाइनल मुकाबले तक जाने के लिए। आपको मजा आने वाला है, सबको मजा आने वाला है, क्योंकि दोनों ही टीमें तगड़ी और दोनों पहुंची गई हैं सुपर ओवर तक। पहली गेंद लेकर तैयार अजीत यादव, इसे उठाकर मारा है पॉइंट और कवर के ऊपर से, बल्ले को घुमाया है और चौके को पाया है। शानदार शॉट, पहली गेंद पे चौका पाया, मजा आएगा अब अगली गेंद पे, क्योंकि पहला स्टार्ट मिल गया है। अब मजा आएगा क्योंकि अब ये स्कोर जा सकता है 15 रन तक। तो अब 4 रन जोड़ लिए हैं सलमान ने टीम जयपुर के लिए, जयपुर स्मैशर के लिए। अब अगली गेंद पे कहां पर बल्ला घुमाएंगे अजीत, क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। ये लीजिए, घुमाने का प्रयास किया, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, अच्छी वापसी अजीत यादव के द्वारा, जोरदार वापसी, मजा आ रहा है। सुपर ओवर, दोनों ही कड़ी टीमें, दोनों की लड़ाई है फाइनल में जाने के लिए। देखते हैं कल सुबह एपी सुपर स्टार्स के साथ कौन दिखेगा फाइनल में। सांझ हो रही है, दिल धक धक कर रहा है फैंस का, सभी जो कमजोर दिल वाले हैं वो इस मुकाबले को ना ही देखे तो ठीक होगा, क्योंकि कड़ा मुकाबला है। सुपर ओवर की कहानी है, फाइनल की कहानी है। ये लीजिए कुछ अलग करने का प्रयास, बॉल गई स्क्वायर लेग की तरफ और 1 रन मिल जाएगा। काफी तेज दौड़े, कुछ अलग करने का प्रयास किया था गेंदबाज ने, तो अभी 5 रन हो गए हैं और गेंदें बची हैं मात्र 3। अब अगली 3 गेंदों में कितने ज्यादा रन ये जोड़ सकते हैं वो देखना बहुत जरूरी है। और 3 रन, माफ कीजिएगा, 3 गेंदों में लगभग यहां से इन्हें 8 रन तो जोड़ने ही पड़ेंगे, क्योंकि दिल्ली की बल्लेबाजी काफी अच्छी है। एक बार फिर से तैयार अकरम हुसैन, कप्तान जयपुर स्मैशर्स। ये लीजिए, घुमाकर मारा है मिड विकेट के क्षेत्र में और 1 रन, 2 रन, 2 रन के लिए दौड़ लिए, क्या यहाँ पे रन आउट का खतरा, जी नहीं, 2 रन पूरे कर लिए, टीम का स्कोर 7 रन। अब गेंदें बची हैं 2, अकरम हुसैन स्ट्राइक पर कप्तान, अब हेलमेट उतार लिया है, अब लगता है गेंद हवाई फायर पे जाएगी। हालांकि अपने इस मुकाबले में सलमान ने काफी अच्छा शॉट मारा था स्टैंड्स में, गेंद को पहुंचाया था हवाई यात्रा पे, यहाँ पर उनकी टीम को यही उम्मीद होगी कप्तान अकरम हुसैन से कि एक लंबा ऊंचा छक्का मारेंगे अकरम हुसैन, क्या होगा पॉसिबल। अजीत यादव ने काफी अच्छी वापसी की है पहली गेंद पे, हालांकि चौका लगा था जोरदार चौका, लेकिन उसके बाद से कोई भी बाउंड्री अभी तक देखने को नहीं मिली है। अजीत यादव राइट आर्म मीडियम पेस ओवर द विकेट, सलमान माफ कीजिएगा अकरम, एक बार फिर से घुमाकर मारने का प्रयास, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, विकेट कीपर भी के हाथों से गेंद छिटकी और टीम को 1 रन का इजाफा। अब स्कोर जा पहुंचा 8 रन, अब मात्र 1 गेंद शेष है। अब आखिरी गेंद पे क्या कारनामा करेंगे सलमान, क्योंकि पहली गेंद पे लगाया था चौका, उसके बाद से अभी तक कोई भी बाउंड्री देखने को नहीं मिली है जयपुर की तरफ से। काफी अच्छी वापसी अजीत यादव के द्वारा, काफी अच्छा ओवर अभी तक डाला है अजीत ने, अंतिम गेंद में क्या होगा, क्या बाउंड्री मिलेगी। इस बार भी गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, बहुत बढ़िया ओवर अजीत के द्वारा, मात्र 8 रन दिए अपने सुपर ओवर के ओवर में, काफी बढ़िया गेंदबाजी, अच्छी बल्लेबाजी की सलमान ने, और अब बनाने होंगे दिल्ली लेपर्ड को 9 रन। तो क्या 6 गेंदें 9 रन पॉसिबल होगा या बाजी मारेंगे जयपुर स्मैशर्स के गेंदबाज। एक बार फिर से तैयार, कमलप्रीत सिंह के हाथों में थमाई है बॉल अकरम हुसैन ने, काफी अच्छी गेंदबाजी अभी तक की है कमलप्रीत सिंह ने, और इनके हाथों में अब गेंद है, इनके हाथों में मुकाबला है। स्ट्राइक पर होंगे ताबड़तोड़ युवराज सिंह, युवराज सिंह द ग्रेट नेम, काफी अच्छी बल्लेबाजी अभी तक की है युवराज ने। अब क्या ये टीम को पहुंचा पाएंगे फाइनल के पड़ाव पे, देखना होगा। बहुत ज्यादा उम्मीद है युवराज सिंह से दिल्ली लेपर्ड्स को और उनके टीम ओनर एलविश यादव को, और गेंदबाजी को लेकर तैयार है कमलप्रीत सिंह।
कमल सिंह काफी अच्छी तेज गति से गेंदबाजी करते हैं। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज युवराज सिंह उठाकर मारा है, क्या यहाँ पे बाउंड्री मिलेगी? जी नहीं, फील्डर वहां पर मौजूद और सिर्फ दो रन। तो पहली गेंद पर दो रन आ चुके हैं, अब चाहिए 5 गेंदों में 7 रन। 5 गेंदे 7 रन, क्या होगा देखना होगा। कड़ा मुकाबला सांझ होने वाली है, दिल्ली जयपुर। ये लीजिए करारा झटका, सबसे बड़ा झटका। युवराज सिंह कुछ अलग करने का प्रयास कर रहे थे और अपना विकेट गवाया। क्या यहाँ पर दिल्ली ने मैच भी गवा दिया है? मुझे तो ऐसा लग रहा है, क्योंकि मेन जो बल्लेबाज है वो युवराज सिंह है और युवराज सिंह ने गलत शॉट खेल करके अपना विकेट गवा दिया इस बड़े मुकाबले में, बड़े सुपर ओवर में। अगर वो सीधे बल्ले से खेलते तो शायद रन उनको मिल सकते थे, लेकिन अपने नेचुरल गेम से अलग कुछ करने गए और उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा दिल्ली लेपर्ड्स को। अब बल्लेबाजी के लिए किसको भेजेगी दिल्ली की टीम? अच्छी गेंदबाजी कमलप्रीत सिंह चमके, कमलप्रीत चमके और बल्लेबाज को भी चमका दिया। युवराज सिंह वापस डगआउट में, अब बल्लेबाजी के लिए कौन आया है दिल्ली की तरफ से 10 नंबर की जर्सी पहन करके? शिवम आनंद। अब शिवम आनंद क्या करेंगे? क्या यहाँ पे बाउंड्री देखने को मिलेगी? क्योंकि बाउंड्री की दरकार है, बिल्कुल दरकार है। 4 गेंदे 7 रन, प्रेशर होगा स्ट्राइक पर जो बल्लेबाज है। कमलप्रीत सिंह अपने गेंदबाजी के लिए फील्ड अच्छी तरीके से तैनात कर रहे हैं और काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं कमलप्रीत सिंह इस समय अपनी टीम को। तीसरी गेंद थी ये और डॉट गेंद, होट गेंद और कोई रन नहीं। यहां पर भी खतरा हो सकता था बल्लेबाज को, टीम ऑल आउट हो सकती थी। शिवम आनंद ने 1 गेंद के लिए अभी तक गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। टीम का स्कोर है 2 रन 1 विकेट पर। अब 3 गेंदे शेष हैं 7 रन बाकी हैं। क्या होगा दिल्ली लेपर्ड? कुछ करना होगा, कुछ करिश्माई करना होगा शिवम आनंद। ये लीजिए एक बार फिर से डॉट गेंद उठाकर मारने का प्रयास किया था और सामने कमलप्रीत सिंह ने अच्छी तरीके से उसे फील्ड किया फॉलो थ्रो में। काफी बढ़िया गेंदबाजी कमलप्रीत के द्वारा। पूरे टूर्नामेंट में, पूरी लीग के अंदर उन्होंने अपनी गेंदबाजी से छक्के छुड़ाए बल्लेबाजों के। ये लीजिए एक बार फिर से कमलप्रीत, यहां पर ड्राइव कर दिया, तेज ड्राइव किया। कितने रन मिलेंगे? क्या चौका मिलेगा? जी नहीं, सिर्फ 1 रन से संतुष्टि करनी होगी टीम दिल्ली लेपर्ड्स को। अब 1 बॉल और रन चाहिए 6। क्या यहाँ पर राहुल तेवतिया, क्या यहाँ पर MS धोनी, क्या यहाँ पर युवराज सिंह की तरह कोई बल्ला चला पाएगा? सामने है अजीत यादव जिन्होंने गेंदबाजी की थी सुपर ओवर में, काफी अच्छी गेंदबाजी की थी। अब यहाँ पे जरूरत है छक्के की। क्या अजीत यादव यहाँ पर छक्का लगा पाएंगे? कड़ा मुकाबला, इनका छक्का लगाना बेहद जरूरी दिल्ली लेपर्ड्स के लिए, क्योंकि ये सिर्फ छक्का ही नहीं, ये है अगले मैच का चांस। फाइनल मुकाबले में जाने का एकमात्र दरवाजा है, वो है छक्का। क्या अजीत यादव कुछ कर पाएंगे? कमलप्रीत सिंह लेकिन तैयार नहीं बल्लेबाज, फील्ड को देख रहे हैं अजीत कि कहां पर बाउंड्री लगाई जा सकती, कहां पे हवाई फायर किया जा सकता है। बल्ला को घुमाना पड़ेगा गुरु, बल्ला तो घुमाना पड़ेगा, छक्के तक बॉल पहुंचानी पड़ेगी, बाउंड्री पार पहुंचानी पड़ेगी। कमलप्रीत, शिवम, कमलप्रीत के कमर में थोड़ा सा खिंचाव देखने को मिल रहा है। काफी ज्यादा मेहनत की है कमलप्रीत ने और इस मेहनत का फल मिल सकता है कमलप्रीत को, कमलप्रीत की टीम को। एक बार फिर से कमलप्रीत तैयार, अजीत यादव तैयार, अंतिम गेंद आगे बढ़ के आए, उठाकर मारा है, गेंद सीमा रेखा के बाहर, सिर्फ मिलेंगे 4 रन और जयपुर स्मैशर्स पहुंच गई है फाइनल तक।
कल देखने को मिलेगा फाइनल मुकाबला जयपुर स्मैशर्स वर्सेस एपी सुपरस्टार। जयपुर स्मैशर्स ने इस सुपर ओवर को 2 रन से जीत लिया है। दिल्ली लेपर्ड नाखुश होगी, कप्तान नाखुश होंगे। दोनों ही टीमों ने चैंपियंस की तरह खेला और सुपर ओवर तक गए दोनों ही टीमें। तो बड़ा मुकाबला, दिल्ली लेपर्ड्स ने गवाया मुकाबला, जयपुर पहुंच गई है फाइनल में।